परवरिश के हीरो राज कपूर थे, गीत हसरत जयपुरी ने लिखा था और धुन में स्टाइल था शंकर जयकिशन का, मगर जी नहीं, संगीत शंकर जयकिशन का नहीं था। आप तो जानते ही बहनों भाइयों कि परवरिश के संगीतकार थे दत्ताराम। रुत अलबेली मस्त समा, साथ हसी हर बात जमा, हवा का आंचल बड़ा है चंचल, धीरे धीरे गाए मन तेरी कसम। अरे रुत अलबेली मस्त समा, साथ हसी हर बात जमा, हवा का आंचल बड़ा है चंचल, धीरे धीरे गाए मन तेरी कसम। इस हिट गीत की फिल्म का नाम याद आया आपको? श्रीमान सत्यवादी। इन मचलते पानियों में सुन, गुनगुनाते साहिलों की धुन, रुत हसीन है हम जवान है तोबा। नाजनी जो कोई हंस पड़ी, मोतियों की खुल गई लड़ी, लाजवाब है क्या शबाब है तोबा। रेशमी नजर पड़ गई जिधर, खिल गई दुनिया। मैं बचपन में यहाँ से सावंतवाड़ी गया और सावंतवाड़ी के बाद बॉम्बे गया और बॉम्बे 1942 में गया। उसके बाद हम लोग ठाकुरदौर करके जगह थी गिरगांव में, वहां रहे। ऐसा करते करते एक दिन मेरे माँ को एक गाने वाली औरत मिली, वो भी गोवा की थी। उसने पूछा, भाई तुम्हारा, उसने बोला एक लड़का है मेरा, तो बोला क्या करता है? कुछ नहीं, बोला स्कूल जाता है, कभी नहीं जाता है। तो औरत बोली, उसको लेके आओ, हमको दिखाओ वो लड़का कौन है। तो बोले क्या, तो एक दिन माँ मेरी ले गई और वो दिखाया उसको। हम लोग गए वहाँ, बैठे, बातचीत किया। बोलते ठीक है, कल गुरु जी आने वाले, कल उसको लेके आओ। तो हम लोग, माँ फिर ले गई मुझे, हम लोग बातचीत हुई। इतने देखा एक आदमी वहाँ आया, तो उसने, औरत ने बोला कि ये देखो ये लड़का है, इसको कुछ सिखाना है, कुछ करना है, तो उसको आप देख लीजिए। तो उस आदमी ने मेरे हाथ देखे और हाथ देखे, बोला अच्छा हाथ है, सब कुछ अच्छा है। तो बोला ठीक है। तो मेरे को पूछा, तुम तबला सीखेगा क्या? तो मैंने मुंडी हिलाई हाँ करके। उसके बाद ठीक है, तो मेरे माँ से कुछ बातचीत हुई और उसने कहा पूजा का सामान लेके आओ और एक काला धागा लाना, उसको हम लोग यानी संगीत में गंडा बोलते हैं, तो ऐसा बांधने के लिए। वो उसका हो गया। और फिर गुरुवार के दिन हम लोग गए, उसके बाद बातचीत हुई, गुरुजी वहाँ आए और वो गुरुजी का नाम था पंडरी नागेशकर, आज भी भगवान की दुआ से आज भी है, वो मेरे पहले गुरु थे। और उन्होंने पूजा होने के बाद मुझे तबला सिखाया और उस पर मुझे आता नहीं तो था, ऐसे ही थोड़ा सा बजाया और धीरे धीरे वहाँ काम शुरू हो गया। और काम करते करते मैं बजाने लगा, उनके घर जाता था। और थोड़े दिन वो बजाने के बाद फिर और एक मुझे गुरु मिले, वो यशवंत, पंडित यशवंत केरकर, उनके साथ भी मैंने सीखा, उनसे भी दोस्ती हुई। ऐसा करते करते वो पंडित यशवंत केरकर ने मुझे फिल्म इंडस्ट्री में, एक सज्जाद करके संगीतकार थे, उनके पास काम के लिए भेजा और मैं थोड़े 3 महीने उनके साथ काम किया और फिर वो काम निकल गया, छूट गया मेरा काम। उसके बाद फिर अपना कसरत करना, तबला बजाना, ये सब चालू था हमारा। तो उसके मैं देखते रहता था। एक दिन शंकर जी वो कसरत करने के लिए, जिसको कहते हैं जिम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, वो वहाँ आ गए। तो शंकर जी से मैंने एक दिन कहा, भाई आप यहाँ से जरा मट्टी बिट्टी लगी है तो आप जरा नहा धो के जा सकते हैं, बाथरूम है इधर, सब हम भी यहाँ नहाते, आप भी रहिए। तो चलो सब होने के बाद वो नहाने लग गए, वो नहा के बाहर आ गए तो मैं नहाने गया। तो इसके बीच में हमारे पास ये वहाँ तबला था, जो हमारे गांधी मास्टर है, वो बेचारा ऐसे चौकिया लाया था तबला, और वो मैक्स में वो दीवार पे था उधर। जब मैं नहाने गया
तो मैं देख रहा हूँ वो शंकर जी ने वो तबला खोल के और बजाने लग गए, तो मैं अंदर बाथरूम में सुन रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो गजल का ठेका बजा रहे थे और लग्गी बजा रहे थे, बहुत अच्छा लगा। मैं जल्दी जल्दी नहा के बाहर आ गया और उनसे कहा, वाह शंकर जी क्या बात है, बहुत अच्छे। तो उन्होंने तबला रोक दिया, बोले तुम ये कैसे, तू वाह वाह और ये सब संगीत में बोलते, तुम्हें कैसा मालूम है, वाह वाह बहुत अच्छे, तुमने कैसा बोला, तुम तबला जानते हो क्या? हाँ बोला, मैं भी थोड़ा सा जानता हूँ, थोड़ा सीखता हूँ। अच्छा तो बोले सुनाओ तुम क्या बजाते हो, धातिक धातिर गड़धा धातिर गड़तक तातिर गड़तक त्रिकड़तक तातिर गड़ धाती धातिर गड़ धाती धातिर गड़धा। तो ये जब सुनाया तो इतने शंकर जी गले मिला लिए और कहने गले लग गए मेरे और कहने लगे, वाह वाह तुम्हारा हाथ तो बहुत अच्छा है, तो इसलिए बहुत अच्छा है। तो दोस्ती हो गई हमारी, और ज्यादा दोस्ती हुई। वो कहने लगा, कल क्या कर रहे हो, कुछ नहीं। बोला आपेरोस में, आपेरोस थिएटर मालूम है? बोला हाँ। तो बोला वहां आ जाओ, हम लोग की वहां रिहर्सल चलती पृथ्वी थिएटर करके है, तो मैं कैंटीन में बैठा रहूंगा, 10:30 बजे आ जाना। मैं जब वहां गया उसके बाद तो कैंटीन में मिले मुझे, तो मैं जब वहां गया तो हसरत जयपुरी, शैलेंद्र जी, शंकर जी, जयकिशन जी, उसके बाद एक राजा ना होता करके डायरेक्टर थे, वो भी गिरगांव में रहते थे, वो भी वहां कैंटीन में आ जाते थे। तो ऐसे हम लोग सब बैठ के, तो इसके बीच में कभी कभी राज कपूर साहब भी आते थे, शमी कपूर साहब भी आते थे, प्रेमनाथ जी भी आते थे, तो सब चाय पीने के लिए बातचीत चलती रहती थी, गप्पे मारते थे। और फिर अपना अपना काम जब थिएटर का शुरू होता था तो हर आदमी थिएटर में जाके रिहर्सल करते थे और स्टेज पर रिहर्सल करते थे। कभी हम लोग भी वहां से उठ के जाके स्टेज पर बैठना, यानी बाहर बैठना कुर्सी पे, और जो एक्टिंग करते हैं वो लोग वो सब देखते रहे ना। ऐसे एक साल दो साल तक देखते रहे, ऐसे काम करते रहे, सबका पहचान हो गई। और शंकर जी ने पृथ्वीराज से पहचान करके दी थी। फिर वहाँ एक राम गंगोली संगीतकार था, राम गंगोली इसका नाम था, और वो रामलाल करके एक शनै वाला था, और वो खुद गंगोली जो था वो सितार बजाते थे। तो नाटक के अंदर 15 मिनट का जो इंटरवल होता था, तो उसके बीच में उन दिनों में कई कैसेट नहीं चलाते थे, कोई फिल्म के गाने नहीं, तो सितार बजाना या शनै बजाते थे, तो उसके साथ मैं तबला बजाता था। तो ऐसे क्योंकि पहले शंकर जी बजाते थे, जब पहचान हुई तो कहने लगे तू बजाओ, तो मैं बजाने लग गया। तो ऐसा करते था दो साल तक, वो मैं नाटक के बीच में इंटरवल में हम लोग सितार या शनै उसके साथ मैं तबला बजाता था। दत्ताराम साहब, आपकी और राज साहब की पहली मुलाकात कहाँ और कैसे होगी? राज साहब के बारे में बोलना तो बहुत अच्छी बात है, हम तो उनके साथ बरसात से काम कर रहे हैं, और बहुत गुणी आदमी है, बहुत अच्छे डायरेक्टर है, म्यूजिक के लिए बहुत अच्छा जानकारी है उनके पास, रिदम जानते हैं। फिर शंकर शैन हमारे गुरु, उनके साथ हमने काम किया और बरसात से लेके आखिर तक हम लोग ने काम किया। और मेरे लिए जो पिक्चर भी दी वो उन्होंने मुझे चांस दिया, अब दिल्ली दूर नहीं, और उसमें भी मेरा एक म्यूजिक हिट हुआ, गाने हिट हुए। और वो जो अगर बोले ये गाना हिट है तो वाकई वो गाना हिट होता था। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। तो राज कपूर साहब ने पहली फिल्म बनाई बरसात, उससे पहले उन्होंने आग बनाई। उसके बाद दूसरी पिक्चर थी वो बरसात, तो बरसात में शंकर किशन म्यूजिक दे रहे थे, तो उसके साथ उनके साथ मैं था। तो हम लोग रिहर्सल करना, म्यूजिक की रिहर्सल करते 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 वो पिक्चर कंप्लीट हो गई और उसका म्यूजिक भी कंप्लीट हो गया और वो पिक्चर रिलीज हुई। कि रोज शाम को राज कपूर साहब, प्रेमनाथ जी, प्राण जी, शंकर जयकिशन ये इम्प्रेस थिएटर में आते थे रोज देखने के लिए। तो बाहर पब्लिक रस्ते पे खड़े रह के उनको बोलते राज कपूर, शंकर जयकिशन, तो कुछ लोग मेरे भी पहचान वाले थे, बोले दत्ताराम करके हाथ करते थे, तो मुझे भी बड़ी खुशी होती थी। ऐसा करते करते वो पिक्चर बहुत हिट हो गई और दूसरी पिक्चर शुरू हो गई आवारा। तो आवारा के टाइम पे राज साहब ने फेमस स्टूडियो का कहता वहाँ ऑफिस लिया, और वो ऑफिस लेके वहाँ रिहर्सल, हम लोग वहीं रिहर्सल करते थे। शंकर जयकिशन ने भी उसी स्टूडियो के अंदर ऊपर हॉल लिया रिहर्सल के लिए, अपना परमानेंट हॉल लिया। तो वो दोनों काम चलते थे, राज साहब ऊपर आते थे जब उसका भी म्यूजिक शुरू हुआ। लेकिन ये करते करते
मेरे एक दिल में जो ख्वाहिश थी कि मैं कब रिकॉर्डिंग बजाऊं, तो मुझे मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि मैं तो रिहर्सल बजा सब कुछ करता था और मेरे गुरुजी बजाते थे और भी लोग आके बजाते थे, तो मुझे चांस नहीं मिलता था। ऐसा करके बहुत दुखी होता था मैं। एक दिन ऐसा ही टाइम आया कि वहां रिकॉर्डिंग में गए, और जब वहां गए तो लता जी आ गई, म्यूजिशियन सब आ गए, और 12 बजे तक मेरे जो पुण्यवान जी गुरु जी थे ढोलक बजाने, वो आए नहीं। तो फोन सब जगह क्या तो मिलते ही नहीं, कहाँ है। तो शंकर जी ने, जैक्सन जी ने कहा दत्तू बजा रहा है, तो उसको बोलते हैं बजाओ करके। लता जी गा रही थी, वो गाना था एक बेवफा से प्यार किया, उसे नजर को चार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। एक बेवफा से प्यार किया, उसे नजर को चार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। फर्स्ट रिकॉर्डिंग हुआ और ओके हो गया, और शंकर जी अंदर से भाग के आए और कहने लगे वाह वाह दत्तू क्या बजाया तुमने, तुम्हारे ढोलक इतनी अच्छी आई। तो लताबाई ने वाह वाह बोला, मिशन ने वाह वाह बोला, तो भगवान ने मेरे को भी ऐसा चांस दिया कि मेरा उस दिन से आखिर तक मैं बजाते रह गया। के अंदर काम शुरू हुआ तो और भी गाने हुए, उसके अंदर सबसे गाना जो हिट हुआ और अच्छा हुआ वो राजा की आएगी बरात। उसके बाद श्री 420 पिक्चर निकली, वो हुई, तो उसे मैंने इचक दाना बिचक दाना वो गाना मैंने बजाया। बिचक दाना दाने ऊपर के बाद दूसरा गाना था प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। एक बार ऐसा हुआ कि आवारा चल रहा था पिक्चर, और उनका ऐसा मूड था कि भाई चलो यहाँ स्टूडियो में बहुत लोग आते हैं तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, तो उन्होंने कहा कि चलो हम खंडाला जाएंगे, और शंकर सिंह से कहा कि हम लोग वहां जाके डिस्कशन करेंगे और वहां बात करेंगे कुछ। तो हम लोग खंडाला चले गए, शंकर किशन राज साहब सब लोग, उस टाइम पे नरकिसी भी थी, हम लोग सब बैठे एक झाड़ी के नीचे और दरी बिछा के बाजा तबला ढोलक लेके हम लोग बैठे सब। फिर राज साहब आ गए तो उन्होंने बोला भाई डांस का ऐसे ऐसे सिचुएशन है, तो शंकर जी से पहले पूछा, जैकिसन से पूछा भाई तुम्हारे पास ऐसी कोई ट्यून है तो ये डांस के लिए हमें बताओ और हमें सुनाओ कुछ। तो सिचुएशन बताने के बाद जैकिसन जी बोले अभी मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं बाद में सुनाऊंगा। शंकर जी बोले हाँ मैं सुनाता हूँ। तो शंकर जी ने सुनाया तो मुझे कहने लगा जरा दत्तू दादरा ठेका लगाओ, तो मैंने वो दादरा ठेका लगाया और जो उन्होंने टाइमिंग मुझे दिया वो हिसाब से मैंने ठेका लगाना शुरू किया। फिर उन्होंने वो गाना शुरू किया रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। ऐसा गाते रह गए तो राजखंड ने पूछा आगे क्या है भाई, खाली रमैया वस्तावैया बोला आगे क्या है। तो शलंदर जी वहां थे, उन्होंने लिखा मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। हम
लोग चेंबूर जा रहे थे, तो चेंबूर जब जा रहे थे तो जयकिशन जी गाड़ी चला था, मैं आगे बैठा था, पीछे मेरे शैलेंद्र जी थे, शंकर जी हसरत थे, वो लोग बैठे थे और हम लोग जा रहे थे। जैसे हम लोग चेंबूर क्रॉस किया, उस जमाने में चेंबूर कुछ नहीं था, बहुत पुराने मकान पुराने सब थे, तो नए नए के मकान बन रहे थे अभी, और मैं देख रहा था, मैं आगे देख के ऐसा देख रहा था, तो शैलेंद्र पीछे से पूछने लगे, अरे दत्तू मुड़मुड़ के क्या देख रहे हो, पीछे क्या देख रहे हो? मैं बोल बोला बिल्डिंग देख रहा हूँ, नई नई बिल्डिंग भरी हो गया। फिर आगे चले गए, फिर मैं देखने लगा तो फिर कहने लगा, अरे दत्तू मुड़मुड़ के क्या देख रहा है? वो खुद ही कहने लगा, यार मुड़मुड़ के ना देखो, ये बहुत अच्छा, इसका कुछ गाना बन सकता है। तो उसके बाद उसने गाना लिखा और गाना शंकर जी ने कंपोज किया, और वो कंपोज करके राज साहब को सुनाया। मुड़मुड़ के ना देख मुड़मुड़ के, मुड़मुड़ के ना देख मुड़मुड़ के, मुड़मुड़ के ना देख मुड़मुड़ के, मुड़मुड़ के ना देख मुड़मुड़ के। पूरी शंकर जी के साथ 35-40 साल से काम किया मैंने, ऐसी रिकॉर्डिंग हुई नहीं। वो सुबह 9 बजे रिकॉर्डिंग शुरू हुई और दूसरे दिन सुबह 6 बजे रिकॉर्डिंग खत्म हुई। उसमें कम से कम 150 म्यूजिशियन थे और 40-50 कॉयर थे, यानी कोरस गाने वाले लड़के लड़कियां, वो थी मिक्स थी सब लड़के और लड़कियां मिलके। उसमें फिर लता जी के आलाप थे, गाना था। तो सुबह से वो 9 बजे से लेकर रिहर्सल और रात को 12 बजे तक वो गाने के बहुत पार्ट थे, भूत के पार्ट थे, काफी काफी चीजें थी, वो रिकॉर्ड करते गए पार्ट 1/2 ऐसे करते गए। तो रात को 12 बजे घर आया मेरा परदेसी, इसका टर्न आया। तो चलते चलते राज साहब के दिमाग में कुछ आया पता नहीं, वो बोले जरा ठहर जाओ, जरा रुक जाओ अभी, बोले था। तो शंकर किशन को बुलाया उन्होंने बाजू में, और जो सिंगर की कैबिन है लता जी भी खड़ी थी, कहने लगे मेरे को रिदम इसमें जम नहीं रहा है, कुछ रिदम कुछ और करो इसके अंदर, कुछ जम नहीं रहा है। तो वो लोग भी सोचने लगे। ऐसा करते करते बाजू में एक आदमी था सुमन करके, जो फ्लूट बजाता है, अच्छा फ्लूट बजाता था उस समय, तो वो ये बात सुन रहा था। जब ये बात इनकी चल रही रिदम नहीं जम रहा ऐसा, तो उसने फौरन मुंह डाल दिया, कहने लगा साहब एक रिदम वाला बहुत अच्छा आया है पुणे से, लाला बोस का नाम है, उसको बुलाओ क्या? तो वो कह सब लोग, हम लोग भी हैरान हो गए, ये बीच में बात तो इसने की लेकिन कौन रिदम वाला है कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं, बीच में बोल दिया। चलो राज साहब ने पूछा कौन है क्या है, मैं बोला ढोलकी बजाता है। तो जैसा वो ढोलकी का नाम लिया, तो मैं बोला हाँ वो तमाशे में ढोलकी बजती है, राज साहब को मैंने बोला बहुत अच्छा बजती है। अच्छा हाँ, तो बोला वो सुमन को पूछा है तुम ला सकते हो क्या उसको अभी? हाँ बोला लाता हूँ, कहाँ रहता मालूम है? हाँ बोला मालूम है। बोला हमारे गाड़ी लेके जाओ, उसको लेके आओ। आधा घंटे में वो लेके आया, तो मैं उसको देख के मैं पहले हैरान हो गया, मैं डर गया, बोला इतना भील जैसा आदमी ये कौन है, सफेद कपड़े पहने पसीना से भरा है, और ये आदमी आया। तो हम लोग उसके जगह भी के दे बैठने के लिए प्लेटफॉर्म दिया, ठंडा मंगाया उसके लिए, ठंडा पिलाया, ठीक हुआ। उसके बाद उसने ढोलकी मिलाई, और ढोलकी सफेद 6 में मिलती है, वो मिलाए उसके बाद जो थाप मारा, तो मैंने बोला वाह लाला बाबू क्या बात है, बस वो भी हंसने लग गया। उसके बाद रिहर्सल शुरू हुई, और आधा पौन घंटा उसको रिहर्सल दी, गाना उसके समझ में आया। उसके बाद मैं लता जी को फोन किया, लता जी आ गई, और वो गाना लता जी के साथ ढोलकी और पूरा म्यूजिक वो सब रिहर्सल करने के बाद 1 घंटा फिर लगा, और 2:30 रिकॉर्डिंग शुरू हुई। दत्ताराम जी को मैं बहुत 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 सालों पहले से जानता हूँ। इनफैक्ट आज मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, उसके पहले म्यूजिक अरेंजर हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक म्यूजिशियन हूँ।
मेरी एक एम्बिशन थी कि कभी शंकर जी किशन के पास मुझे बजाने के लिए एक मौका मिल जाए, और इतने विकन से 60s में मुझे वो मौका मिला, और तब मैंने दत्ताराम जी को फर्स्ट टाइम उनसे मेरी मुलाकात हुई। शुरुआत नेचुरली उन्होंने शंकर जी किशन के साथ की, उनके साथ सुबह शाम उनके गाने ठेके कंपोज करना, बजाना उनके साथ, फिर उनका ऑर्केस्ट्रा जो रिदम कंडक्टिंग वो करना, करते करते राज कपूर साहब ने उनको जब फर्स्ट ब्रेक दिया अब दिल्ली दूर नहीं, वो ऐसे हुआ कि वहाँ शंकर जी किशन गए थे और राज साहब से बातचीत चल रही थी, तो राज साहब ने उनसे कहा भाई ऐसे एक पिक्चर प्रोडक्शन में एक पिक्चर बन रही है जिसमें मैं हीरो नहीं हूँ, न मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ, और ये खाली हमारा पैसा लग रहा है और ये अलग छोटे बच्चे की पिक्चर है ऐसी एक बना रहे, तो तुम क्या बोलते हो? तो शंकर जी ने कहा कि आप दत्तराम को ये पिक्चर दीजिए। तो उन्होंने पूछा भाई वो कुछ करता है क्या? तो बोले हाँ करता है, हमने सुना है, ट्यून व्यून बनाता है, कंपोजिशन करता है, तो कुछ कम हो जाएंगे तो हम उसको हेल्प करेंगे। तो बोले ठीक है, अगर आप ये लोग बोल रहे हैं तो ठीक है, फिर तो मैं उससे बात करता हूँ, बुलाता हूँ उसको। तो ऐसा करके फिर मुझे उन्होंने फोन किया दूसरे दिन और मैं वहां चले गया, और फिर राज साहब से बातचीत हुई, तो बोले तुम ये म्यूजिक दे रहे तुम करेंगे क्या? मैंने बोला जरूर करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। तो ऐसी बातचीत हो रही, बोले जाके जाओ और जाके स्टोरी सुन लो। तो जाके मैंने स्टोरी सुनी, तो स्टोरी सुनने के बाद उनसे पूछा मैंने भाई कौन सा गाना पहला लेने का है? तो बोला बर्थडे का गाना पहला लेने का है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने वो सोचा बर्थडे का गाना, तो राज साहब ने पूछा वो कौन गाएंगी? तो मैं बोला लता भाई गाएंगी। उसके बाद दूसरा फिर गाना था तो आशा भाई ने गाया ये चमन हमारा अपना है, तो वो गाना रिकॉर्ड हुआ। ये चमन हमारा अपना है, ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे अपना राज है, इस देश पे अपना राज है। मत कहो कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। उसके बाद मेरे को सिचुएशन सुना दी कि ये याकूब थे उसके अंदर, और वो वहां से बच्चे को लेके दिल्ली ले जा रहे हैं। तो मैंने काफी सोचा, 5-6 ट्यून बनाई मैंने, लेकिन मुझे भी अच्छा नहीं लगा। तो एक दिन फिर वो ट्यून मेरे को अच्छे लगी जो बनाया मैंने, और वो जाके फिर राज साहब को मैंने सुनाई। वो ट्यून जब मैंने सुना था उसी वक्त राज साहब बहुत खुश हो गए और उन्होंने मेरा बाजा बंद कर दिया, कहने का कोई गाना हिट है और आप जाके रिकॉर्ड करो। सुन सुन करती आई चिड़िया, सुन सुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, सुन सुन करती आई चिड़िया, सुन सुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, सुन सुन करती आई चिड़िया। मस्ती भरा है समा, हम तुम हैं दोनों यहाँ, आँखों में आ जा, दिल में समा जा, घूमे दमी आसमां। मस्ती भरा है समा, हम तुम हैं दोनों यहाँ, आँखों में आ जा, दिल में समा जा, घूमे दमी आसमां। मस्ती भरा उसका प्रोड्यूसर है महिपत भाई शाह। उस आदमी ने आदमी भेज के उसका असिस्टेंट जो था तो मुझे ऑफिस में बुलाया। तो दूसरी तरफ मैं शाम को 6 बजे वहां गया, तो ये लोग सब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ये सब होते, और मैं भी पहुंच गया और हम लोग की बातचीत थोड़ी हुई। और बातचीत के बाद उसने स्टोरी सुनाना शुरू किया। जब स्टोरी सुनाने के लिए शुरू किया, सुनते सुनते मुझे अच्छी लगने लगी, और सुनते सुनते कंप्लीट जब हो गई तो हम लोग रुक गए। तो उन्होंने बोला क्या करना है? मैं बोला बहुत अच्छी स्टोरी है।
बहुत अच्छे, लेकिन मेरे दिमाग में बात करते करते एक बात आई है, इसमें राज कपूर हीरो होना चाहिए। तो वो लोग ने राज कपूर का टाइम ले लिया और टाइम लेके बोले उनको स्टोरी सुनाइए, अगर वो पसंद उनको भी आई तो वो काम करेंगे तो नहीं करेंगे। बोले ठीक है, स्टोरी सुनाए तो उनको बहुत पसंद आई, बहुत खुश हो गए, बहुत अच्छा है। बोला ये वो हीरोइन किसको लेंगे? तो बोला आप जिसको बोले। बोले माला सिन्हा भी फ्री है और डेट भी मिलेंगे। उसके बाद महमूद है उसको भी ले लिया, राधा किशन है कॉमेडियन उनको भी ले लिया। अभी जहाँ म्यूजिक के प्रोग्राम है, अभी गाने का हर गाना उनको सुनाना पड़ता था राज साहब को कि वो हीरो थे। तो हम चेंबूर में हर वक्त जब गाने रेडी हो तैयार हो जाते तो हम चले जाते थे वहाँ। उसमें हसरत साहब ने लिखे थे सब पूरे गाने। घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा। और एक क्लब का गाना था बेलिया 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 ये किसी पहाड़ों में तुमने इशारों से दिल मेरा एक मिला लिया। फे मिया फे मिया फे मिया फे मिया फे मिया फेमिया 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 देखो जी हजारों में तुमने इशारों से दिल मेरा ले लिया ले लिया। अब उसके सब होने के बाद एक सिचुएशन ऐसी सैड सॉन्ग आती है, वो है आंसू भरी की जगह, वो सिचुएशन है। तो बाकी सब गाने उनको सुनाने ही पड़ते थे, तो ये गाना का जब टर्न आया तो ये गाना भी हमने सुनाया उनको। तो वो जरा सोचते लगे थोड़ी देर, कहने का और कुछ है क्या? तो और भी कुछ हमने सुना है। तो बोले नहीं 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 फिर से वही सुनाओ। तो आंसू भरी हमने फिर से सुना है तो बहुत पसंद है मुझे। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, यही करो और यही रिकॉर्डिंग करो। मैंने गाएगा कौन, और कौन गाएगा? मैंने कहा मुकेश जी। आंसू भरी है ये जीवन की राह है, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है ये जीवन की राह है, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। ये गाना एक ताल में था और उन्होंने इतने अच्छे से कंपोज किया, और उस वक्त मुझे अच्छे से याद है कि म्यूजिशियन जो सीम है उनका हड़ताल था तो उन्होंने काम बंद किया था। फिर भी उन्होंने कैसे करके दो चार म्यूजिशियन में, आठ म्यूजिशियन में एक सारंगी एक सितार या कुछ तबला दो तबले ऐसे कोई उनके दोस्ती में आके बजा दिया। तो फिर भी देखिए वो गाना इतना बड़ा हिट हुआ है। आंसू भरी है ये जीवन की राह है, इस तरह के गाने उन्होंने परवरिश इतनी सुपर डुपर हिट फिल्म दी थी उन्होंने। आंसू भरी है ये जीवन की राह है, आई थिंक इज वन ऑफ द ग्रेट 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 कंपोजिशन। और मुझे थोड़ा सा कुछ मैंने सुना था कि लता ने वही गाना लता ने अपने आवाज में गाया, लेकिन मैं लक्ष्मी प्यारे के पास काम कर रहा था तो लता जी रिकॉर्डिंग के लिए आई तो बीच में लॉबी के अंदर मैं बाहर जा रहा था और लता अंदर आ रही थी तो मुझे देख के रो गए, अरे दत्ता कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ नहीं, मैं बोला ऐसा ही जरा बाहर जा रहा हूँ। अरे तो कहने लगे बहुत दिन में मिले रहे हम लोग। बोले तुमको मालूम है तुम्हारा गाना मैंने गाया? मैं हैरान हो गया, मेरा गाना गाया? मैं 7 साल से रिकॉर्डिंग में नहीं किया मैंने, तो मेरा गाना कौन सा गाया? अरे बोलते नया गाना नहीं, तुम्हारे आंसू भरे गाना गाया मैंने। संगीतकार दत्ताराम की महफिल जमी है, इसलिए आइए सुन लेते हैं दत्ताराम की एक और धुन। फिल्म है कैदी नंबर 911। वो एसपी ईरानी करके प्रोड्यूसर थे उसके, तो उसने कहा ये सोचा चले ये बेबी नंदा उसमें काम करती है और वो टीचर है ये, और लड़की जो है वो हीरो की लड़की यानी उस शेख मुख्तार की, और ये लड़की उसको टीचर है सिखाने आती है। तो हमेशा वो क्या बोलती, गाना गाओ
वो लड़की बोलते फिर मैं सीखूंगी, वो बोलती नहीं पहला लेसन करो अभ्यास करो उसके बाद मैं गाना सुनूंगी। नहीं तो नाराज हो जाती, नाराज होने के बाद वो लड़की छोटी जो लड़की है वो चली जाती अंदर बुक लेने के लिए, ये पीछे से बेबी ने अंदर यहाँ से वो आलाप स्टार्ट करती, वो पहला आलाप है उसके अंदर, और जब आलाप करती तो लड़की ऐसा मुड़ के देखते और बहुत खुश हो जाती। ये दिल का इशारा आंखों ने मिल के पुकारा, कितना है प्यार तुमको कितना है प्यार हमको, प्यार अमर है हमारा। दिल ढूंढता है सहारे सहारे, दिल ढूंढता है सहारे सहारे, लुटे दिल के अरमां बुझे नैन तारे, दिल ढूंढता है सहारे सहारे। तेरे तीर को हमने प्यार से दिल में रख लिया, नहीं 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 हम तो हो गए तेरे हो गए एक बार मिलके, तेरे तीर को हमने प्यार से दिल में रख लिया, नहीं 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 दिल ने उसे मान लिया जिसका अंदाज नया, शोक आंचल के तले आशियां बन ही गया आशियां बन ही गया, दिल ने उसे मान लिया। हम आपकी महफिल में भोले से चले आए, हम आपकी महफिल में भोले से चले आए, तो माफ खता अपनी गर्दिश के हैं बहकाए, हम आपकी महफिल में। तो दत्ताराम जी हैं बहुत अच्छे म्यूजिशियन रहे और उससे भी बड़े कंपोजर रहे, रिदम के अंदर तो मास्टर थे वो। वो धिन तक धिन तिक धिन तक धिन 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 ऐसा रिदम है, वो बोलते क्या बजाओ भाई वो दत्ताराम जी का रिदम बजाओ, ऐसा नाम हो गया था उस रिदम का। जैसे बना मेरा जूता है जापानी, बहुत से गाने आप देखे आपने, तो ये उन्होंने बनाया था। जैसे क्लासिकल में है ना तीन ताला है जब ताला ये ताला सब ठेके उसके नाम है, फिल्म म्यूजिक में फिल्म रिदम म्यूजिक में दत्ताराम जी के नाम से दत्तू ठेका करके आज भी चलता है। हम लोग सेट पे जाते हैं कभी कभी तबला ढोलक बोलते हैं तो कौन सी लगाए लगी लगाएंगे, वो आपस आपस में बात करते हैं, हाँ इतने आठ बार दत्तू ठेका लगाएंगे दत्तू ठेका। तो दत्तू ठेका मीन्स एक उनका एक पर्टिकुलर रिदम था सिंपल एकदम बिट टू बिट ऐसा चले, तो वो रिदम मीन्स अभी ये फॉर एवर चीज चलने वाली है। ये बड़ी फक्र की बात है कि एक आदमी का योगदान क्या है एज अ रिदम कंपोजर एज अ कंडक्टर। गाने में दो चीज मेन होती है म्यूजिक में, एक मेलोडी होती है और रिदम होता है, और रिदम भी उतना तगड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप कौन सा ठेका लगाते हैं और क्या कंसीव करते हैं क्या कैसे कंपोज करते हैं। और उनसे मैंने एक सीखा कि गाने में कभी भी ज्यादा रिदम में ब्रेक नहीं होनी चाहिए, चलती ठेका होनी चाहिए, बीट भी इम्पोर्टेंट। अगर हिस्ट्री लिखा जाए फिल्म म्यूजिक की तो दत्ताराम जी को आप कभी भूल नहीं सकते, उनका नाम पहले काफी पहले आना पड़ेगा। जो पहली पिक्चर मेरी थी जिसमें वो छुनछुन करती गाना जो था उसके अंदर वो लगाया गया, उसके बाद मस्ती भरा है सामा उसमें वो लगाया गया, वो ठेका ऐसा है दिन तक दिग्धग तिंग तक दिग्धग तिंग तक दिग्धग, इस टाइप से वो ढोलक पे बजता है समझे आप। और वो ढोलक जब बजने लग गया तो इतना पॉपुलर हो गया तो हर आदमी ये कहने लगे, मुझे तो नहीं मालूम था कि कोई बाहर के रिकॉर्डिंग वाले अरे वो दत्ताराम जी का ठेका लगाओ, तो सबको मालूम था कि वो मेरा ठेका है, तो दत्ताराम जी का ठेका बोलता फौरन बजा पड़ते थे वो लोग कि वो क्या रिदम है करके। अभी कभी कभी क्या होता था जैसे समझे एक 10 गाने ले रहे हैं आप एक ही साथ, तो अलग अलग म्यूजिक के गाने हैं तो उसमें ले रहे तो उसमें मेरा भी एक ठेका है, तो उसमें वो लिखते थे नोटिशन में दत्ताराम का नाम लिखते दत्ताराम ठेका, यानी इजी हो जाता था। या कलेन जी का ठेका या ऐसे जो कोई नाम है कलेन जी का लक्ष्मी परे के कुछ गाने लिखते थे वो कि ये गाना है, तो उसमें से जो ठेका है मेरा नाम लिखते दत्ताराम ठेका,
तो ये तो ठेका इतना पॉपुलर हो गया। उसके बाद कव्वाल लोग है, बाहर जो कव्वाली कहते हैं वहां भी वो ठेका चलता था। बड़े बोलता है दत्तराम जी का ठेका लगाओ। उन्होंने बाद में रोशन जी, सलील चौधरी, लक्ष्मी परे, इनके साथ एक वादक करके, म्यूजिशियन करके, और लीडिंग म्यूजिशियन बोले, लेकिन उन्होंने अपना पहला इंस्ट्रूमेंट भुला नहीं। और अच्छा लगा कि वापस वो आ रहे हैं और सभी लाइव रिकॉर्डिंग में बजा रहे हैं और बाकी सब ढोलक वाले देख रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं। मैं तो बोलूंगा, मेरे दिल में है एक बात, कह दो तो भला क्या है। मेरे दिल में है एक बात, कह दो तो भला क्या है। ये गाना मुझे स्पेशल बुलाया कलन जी ने रिकॉर्डिंग के लिए और मैं गया। लक्ष्मी प्यारे उसका अरेंजमेंट करते उस जमाने में, वो खुद म्यूजिक बने नहीं थे तो उनका अरेंजमेंट वही करते थे। तो गाने के लिए गया, रिकॉर्डिंग हुआ और मैंने अपने दिमाग से बजाया, उन्होंने कुछ मुझे दिखाया नहीं, उसमें थोड़े मैंने चेंजेस किए बजाए ठेके के अंदर, लेकिन बहुत अच्छा गाना है। वो भी गाना हिट हुआ, जैसे सली चौधरी है उनके गाने बजाए, जैसे रोशन जी है उनके भी गाने बजाए, लेकिन मेरा ठेका नहीं बजाया, वो अलग गाना बजाया, अलग से मैंने बजाया। मैंने वो मधुमती के गाने बजाए, उसमें घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के, आजारे करके था, सुहाना सफर है, वो तीन गाने मैंने एक ही साथ बजाए। और वो उन्होंने मुझे बताया नहीं कि रिदम कैसा बजाना है, मैं वो बोले तो आपको क्या बताना है, क्या है सलीदा मुझे बोले कि तुम गाना सुन लो और खुद ही फिक्स कर लो। तो फिर वो घड़ी घड़ी मैंने बजाया और वो गाना इतना हिट हो गया। उसके बाद सुहाना सफर है ये सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए आ जा रे। मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियां थक गई पंख निहार, आ जा रे परदेसी। और वहां रोशन जी महबूब स्टूडियो में रोशन जी का रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो उनका जो ढोलक वो आया नहीं, दिन में 12 बज गए, लता जी भी वहां थी, सब ऑर्केस्ट्रा रेडी था और ढोलक वाला आया नहीं। तो उन्होंने बोला अपने आदमी को कि दत्तराम जी के नजदीक रहते तो दत्तराम जी के लिए फोन करो तुम। तो उन्होंने फोन किया मुझे और उन्होंने कहा कि भाई हुसैन जी ने ऐसा कहा उनका ढोलक वाला आया नहीं, आप मेहरबानी करके आएंगे तो अच्छा आधा घंटे में छोड़ देंगे, लता जी भी आई हुई। मैंने कहा सोचा जरा, तो मेरे पास राइटर बैठे था, उनको मैंने ट्यून दी, मैंने कहा आप लिखते रहिए मैं जरा आधा घंटे में आता हूँ। और मैंने ढोलक लेके गाड़ी में डाल के वहां गया। मैं जब गया था लता जी थी, रोशन जी थे, रिकॉर्डिंग सबसे मिला, मिलने के बाद गाना सुना और काफी एक 15-20 आधा घंटा मुझे गाना सुनाया। और बहुत सिंपल सादा गाना था, कोई उसमें तिकड़मबाजी नहीं थी, गाड़ी सिंपल बजाना था, लेकिन बजाना था, मैं अगर आता तो रिकॉर्डिंग कैंसिल हो जाती। वो गाना ऐसा था सारी सारी रात तेरी याद सताए, सारी सारी रात तेरी याद सताए, प्रीत जगाए हमें नींद लाए रे, नींद लाए, सारी सारी रात तेरी याद सताए। तो मैं धोबी तालाब में हॉस्पिटल में था और मैं ये देख रहा हूँ कि प्रोसेशन में ये गाना बज रहा है सारी सारी रात तेरे। तो मैं अंदर सोया बिस्तर पे, इतना मुझे खुशी हुई कि गाना मैंने ही बजाया ये गाना और देखो पॉपुलर भी हो गया। तो एक गाने का बजाने का जो आनंद है वो मुझे इतना वहां मिला कि मेरी आधी बीमारी चली गई। डार्क पिक्चर थी जिसमें दिलीप कुमार था, तो वो पिक्चर थी, वो तो वो आए मेरे दिल कहीं और चले गाना था। ये तो मैं अभी लफ्ज बोल रहा हूँ, उस टाइम पे लफ्ज नहीं थे, तो शैलेंद्र जी लिख रहे थे वो। तो शैलेंद्र जब म्यूजिक रूम में आए तो उन्होंने पूछा, शंकर जी ने पूछा, अरे भाई कुछ हो गया है क्या? तो बोला नहीं, मुझे एक आधा घंटा दीजिए, मैं आइडिया है लिख के लाऊंगा मैं। तो कहने लगा मैं जरा दत्तराम को ले जाऊं क्या? बोला उसको क्या के लिए, वो हम बजा रहे थे उस टाइम पे, बोलते जरा ट्यून गुनगुनाएंगे ना तो मुझे जरा मदद मिलेगी उसकी।
तो झंगर जी बोले ठीक है लेके जाओ, कोई बात नहीं है। तो ले गए, हम लोग चले गए तो सीधा हैंगिंग गार्डन पे हम लोग गए, और हैंगिंग गार्डन के नीचे एक बैठने की जगह है छांव के अंदर, वहां हम लोग बैठे दोनों। और वो उनको सिगरेट पीने की बहुत आदत थी, और सिगरेट पीते रहे और गाना लिखते गए। गाना लिखा, कुछ अच्छा लिखा कुछ खराब लिखा, तो वो जमता नहीं था तो फेंकते थे कागज फाड़ के। ऐसा 10-12 बार किया उन्होंने, 10-12 बार हम लोग चलते रहे। तो आखिर में वो कहने लगे, हाँ कुछ आइडिया आ गई करके, मैं गाने लगा है मेरे दिल कहीं और चल, ऐसा मैं ट्यून गा रहा था, वो रा 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 ऐसा गुजार रहा था। तो फिर उन्होंने लिखा, लिखते लिखते वो देखता था वो फाउंटेन पेन की शाही जो है वो खत्म हो गई। अरे बोले अभी क्या करेंगे, लिख नहीं सकते। तो उनके नीचे देखा उन्होंने तो जितने सिगरेट पे 10-12 काड़ी जो थी वो काड़ियां नीचे गिरी थी, वो उसने उठा के उससे फिर उसने गाना लिखा, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, बल्कि दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, बल्कि दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया, ऐ मेरे दिल कहीं और चल। डब के बारे में ऐसा है कोई नई बात है, लेकिन डब में जो पुण्यवान जी ने वो बजाते थे तो बहुत सिंपल उन्होंने बजाया था, कि ऐसा बजाना है ठेका है, बहुत सिंपल, धिंग ट्रक धिंग धिंग ट्रक, ऐसा जो भी ठेका दिन तक का दिन दाड़ा दिन दाड़ा, ऐसे रिदम के ठेके होते हैं। लेकिन जब ये जिस देश में गंगा बही थी शुरू हुई पिक्चर, तो उसमें कुछ ऐसे थे कि उसमें काफी डांस बजाना था। तो एक तो था उस जमाने में हमें लकड़ी या कुछ ऐसा बजाने के नहीं थे, तो लाला बाव करके आदमी थे जो ढोलकी बजाते थे, तो मैंने वो फिक्स किया और उंगली से वो डब जो है उंगली से हम लोग ने बजाया। मेरा नाम राजू घराना अनाम, मेरा नाम राजू घराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम, मेरा नाम राजू घराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम, मेरा नाम राजू। ऐसे रिदम बजाते हैं, कंपोजिशन किया और लालावा हुआ है, ये दोनों ने मिलकर अपने हाथ से बजाया। आज का दिन ऐसा है कि लोग लकड़ी से बजा रहे, कहीं भी जाओ तो लकड़ी से प्रगति हो गई है, लेकिन उस जमाने में लकड़ी से ने हमने उंगलियों से बजाया और लोगों ने तारीफ की। ये भी आप लोग का प्यार है। ये गाने में ऐसा ब्रेक है, ऐसे फोक रिदम जो है तो हम लगाए और उसमें वो पानी में ना रहे। राज साहब इतने खुश हो गए उस गाने पे रिदम के ऊपर, कहने लगे वाह वाह दत्तू बहुत अच्छा, क्या रिदम तुमने लगाया है। बाद में वो ढोलक भी आ जाती उसमें, फिर ढोलक में रिदम जाके फिर ये रिदम आ जाता है, तो इस टाइप से वो गाना हो गया। जैसे बसंत बाहर आए, उसका जब म्यूजिक की बात आई तब दोनों भाइयों में बात हुई, तो भरत भूषण जो थे और उनके दूसरे भाई बड़े जो थे वो कहने उनके म्यूजिक के बारे में, और उसमें राजा नाव थे डायरेक्टर था, तो उन्होंने कहा भी शंकर किशन को लीजिए आप, उनकी दोस्ती थी और काम बहुत अच्छा करते हैं। तो कहने वो एक क्लासिकल म्यूजिक दे सकेंगे क्या, क्योंकि उसके पहले बेजू बावरा रिलीज हुई थी, नौशाद साहब ने म्यूजिक दिया था। तो उनकी वो बातचीत चलती रही, तो वो कहने लगे कि आप बातचीत कीजिए उनके जाके। तो बोला ठीक है बात करते हम जाके। तो बड़े भाई आ गए और शंकर से बात कही, भैया ऐसे ऐसे क्लासिकल है आप पिक्चर करनी है, तो क्या आपसे होंगे ये पिक्चर, ये क्लासिकल है थोड़ा सेमी क्लासिकल है, तो आप क्या बोलते। तो शंकर जी ने कहा क्यों नहीं, हम आपको करके दिखाएंगे।
हम क्लासिकल भी दे सकते हैं म्यूजिक। तो उनकी वो बात चैलेंज की बात हुई और उन्होंने कहा हम करेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है अगर आप बोलते हैं, तो उसके भाई एग्री हो गए और पिक्चर रिलीज काम शुरू होगा बसन बार का। और कहा तो उसमें क्लासिकल गाने थे, भीमसेन ज्योति थे, वो क्लासिकल मन्ना डे ने भी क्लासिकल गाया, रागों में था, उसके बाद क्लासिकल का कॉम्पिटिशन था, उसमें भी दोनों का कॉम्पिटिशन में गाने क्लासिकल हुए, फिर सेमी क्लासिकल के भी गाने हुए, जिसे वो गाना था सुरना सजे, ऐसे ऐसे गाने क्लासिकल के अंदर उन्होंने दिए, वो करके दिखाए। और जब बसंत बहार रिलीज हुई उसके बाद पहला तो म्यूजिक हिट हुआ, बाद में पिक्चर हिट हुई और म्यूजिक ऐसा हिट हुआ कि सबने शंकर जयकिशन को वाह वाह बोला, प्रोड्यूसर भी खुश हो गए और जनता भी खुश हो गए कि शंकर जयकिशन म्यूजिक क्लासिकल दे सकते हैं, वो प्रूफ करके दिखाया उन्होंने। तो ऐसे ही शंकर जयकिशन के दोनों, देखिए शंकर जी को भैरवी में ज्यादा गाना, उन्होंने काफी गाने बनाए, और जयकिशन जी थे जैसे काफी मिक्स गानों के अंदर शिवरंजनी है और को रखा है, शंकर जी भी शिवरंजनी में गाने बताते। तो दोनों ऐसे जैसी सिचुएशन हो, जैसा माहौल हो, गाने का क्या माहौल है, क्या एटमोसफेयर है, उसी हिसाब से राग ढूंढ के उस राग में थोड़ा सा राग लिए, थोड़ा सेमी क्लासिकल लिया, और ऐसे मिक्स करके गाना पॉपुलर होना चाहिए। कि प्योर क्लासिकल देके गाना पॉपुलर होना जरा मुश्किल है, और शंकर जी के लिए खास करके डांस का जो म्यूजिक है, डांस के गाने ज्यादा पसंद है उनको, तो ज्यादा करके जो नाच कूदी करना, नाचना, डांस के क्लासिकल डांस करना, वो शंकर जी को बहुत पसंद था। जयकिशन जी के रोमांटिक गाने बहुत पसंद है, तो वो रोमांटिक एंगल से वो जयकिशन जी ज्यादा बजा। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो विदाने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान। ऐसे वो गाने बनते थे, दोनों अपने जगह पे माहिर थे। आप उसमें नीचे ऊपर कुछ बोल नहीं सकते ये ऐसा और वो ऐसा, ये गलत बात है। दोनों अपने जगह अच्छे थे और दोनों ने काम बहुत अच्छा किया। फाता फा तपत नाच मेरी जान, फाता फा तपत बात मेरी मान, फाता फा तपत बात मेरी मान, फाता फात ये जमाना ये तराना नया, फाता फात ये जमाना ये तराना नया, फाता फात नाच मेरी जान, फाता फा तपत बात मेरी मान, फाता फा तपत। मैंने काफी बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के पास काम किया है, म्यूजिक अरेंजर ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर, जैसे कि बर्मन दादा है, खयाम साहब है, भूपेन हजारिका है, हृदयनाथ मंगेशकर है, बप्पी लहरी के साथ अभी भी काम कर रहा हूँ। तो मुझे देखो एक मेरा ये नेचर था कि जब मैं किसी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर उस जमाने में एज ए वायलिन प्लेयर, एज ए वाइब्रोफोन प्लेयर या जो पट्टी तरंग बोले बजाने जाता था, तो मेरा ध्यान होता था कि वो अरेंजर कैसे क्या ऑर्केस्ट्रा सजा रहे। तो मैं सेबेस्टियन जी को आज भी गुरु मानता हूँ, एक कि उनके जो ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रेशन करने की स्टाइल जो है ना, वो बड़ी सिंपल सिंपल होती थी, जिसमें वो गाने के पीछे काउंटर मेलोडी भी देते थे, और इतना कि आगे जाके कोई काउंटर मेलोडी के गाने भी बन गए उनके थे। तो मैं तो मानता हूँ कि मेरे एक मेलोडी के गुरु भी वहाँ मुझे मिले सेबेस्टियन जी के रूप से, और रिदम के गुरु भी मुझे वहाँ मिले कि दत्ताराम जी के रूप से। रिदम जो है वो रिदम सेक्शन मैं संभालता था, और जिसको ऑर्केस्ट्रा जो है वायलिन है, चेलो है, डबल बेस है, जो पूरा ऑर्केस्ट्रा सेबेस्टियन जी संभालते थे और वो अरेंजिंग भी वही करते थे, उसको अरेंजिंग बोलते और कंडक्टर बोलते, तो वो ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट वही करते थे सेबेस्टियन, और रिदम सेक्शन है मैं कंडक्ट करता था, तो ऐसे दोनों का काम होते थे। हाले दिल हमारा
जाने ना बेवफा ये जमाना जमाना हाल दिल हमारा जाने ना बेवफा ये जमाना जमाना सुनो दुनिया वालों आएगा लौट कर दिन सुहाना सुहाना हाल दिल हमारा जहाँ तक मुझे मालूम है जहाँ तक मैं तबला सीखता था उसके बाद बम्बई में फिल्म के अलावा नाटक इतने जोर में थे और अच्छे अच्छे प्रोग्राम नाटक के होते थे उस जमाने में उसमें से दीनानाथ मंगेशकर का नाम सुना रघुवीर सावकार का नाम सुना जितेंद्र अभिषेकी फिर प्रसाद सावकार का नाम सुना और कई ऐसे गोवा के लोग थे जिन्होंने बहुत नाम कमाया और अच्छा अच्छा नाटक में काम किया जैसे गाने वाले से मैं अंजनी भाई लोलिएकर अंजनी भाई मालपेकर मोगू भाई कुर्डीकर किशोर भाई केरकर ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने इतना नाम कमाया गोवा के लोगों ने बाकी और कुछ गाने वाले काम नाटक में काम करने वाले गोवा के इतने लोग थे और गोवा में किसी का भी नाम नहीं हुआ ये बम्बई जाके पुणे जाके इन सब आर्टिस्टों का नाम हो गया और बहुत अच्छा नाम कमाया उसमें से दीनानाथ मंगेशकर एक ऐसे आदमी थे जो पंजाब तक गए और पंजाब में इतने पॉपुलर हो गए और उन्होंने पंजाबी रंग जो गाने का रंग होता है वो पंजाबी रंग भी उन्होंने गाने का वहाँ सीखा और अपने गायकी के अंदर जो मराठी के अंदर थोड़ा सा गायकी भी लाई उसने पंजाबी तो इसके वजह से वो लोग बहुत खुश हो गए मेरे को जहाँ तक मालूम है वहाँ तो लता मंगेशकर आशा भोसले मीनाताई हृदयनाथ मंगेशकर और ये पूरे लता जी के खानदान के सब लोग सब फिल्म इंडस्ट्री में काम किए और अच्छे गाना गए उसके अलावा यद दत्ता करके एक संगीतकार था उसके बाद आपके श्रीधर पारसेकर वो भी बहुत फिल्म में म्यूजिक दिया उन्होंने वायलिन बहुत अच्छे बजाते थे उसके अलावा मधुकर पेड़नेकर उनका भी बहुत नाम था ऐसे कई कलाकार थे गोवा के जो इंस्ट्रूमेंट सितार हारमोनियम और गायकी भी और ये ऐसे काफी लोगों ने काम किया और योगदान दिया आपके जमाने का संगीत और आज का संगीत ये दोनों संगीतों में फर्क क्या है पहले के गाने में क्या मेलोडी थी बहुत से गाने ऐसे है जो आज वो गाने नहीं है जैसे लता जी के गाने और लोगों के गाने जैसे बहारो फूल बरसाओ या समझे आएगा आने वाला ये लता जी के बहुत से गाने हैं ऐसे है जो मेलोडी के गाने हैं जैसे राजा की आएगी बरात शंकर जयकिशन के गाने हैं और भी बहुत से गाने हैं वो आज वो मेलोडी नहीं है इतना ही फर्क है लेकिन आज के लोगों को वो जब गाने सुनते हैं तो उनको अच्छे लगते हैं क्यों आजकल के जो गाने इतने फास्ट है और अभी सुनो थोड़ी देर के बाद उनको पूछो ये गाना क्या है तो उनको मालूम नहीं ये गाना क्या है लेकिन पुराने गाने ऐसे है जब भी बचे छह महीने के बाद भी पूछो फलाना गाना क्या है तो वो गा के बताएंगे आपको लेकिन आज का गाना 10 मिनट के बाद बताइए तो मालूम नहीं बोला क्या गाना था तो इस ढंग से ये गलत है लेकिन आजकल का जो म्यूजिक है वो बुरा नहीं है अभी के नए जमाने के लड़के हैं नए लोग हैं उनको पसंद है और जो भी नई नई चीज नई नई जगह होती है तो हर आदमी को पसंद आती है हमारे पुराने जगह में पुराने लोगों में उस टाइम पे वो माहौल ऐसा था कि अच्छे अच्छे गाने अच्छे लफ्ज वो सुनाई देते थे और आजकल के लड़के जैसे तुमने कहा कि भाई इनको गाने क्यों पसंद है तो वो मेलोडी है उसके अंदर अच्छे गाने हैं तो जिनको संगीत का थोड़ा भी नॉलेज है उनकी उनको इसलिए पुराने गाने पसंद है आज के गाने पसंद है लेकिन वो क्या जल्दी निकल जाते वो पता नहीं चलता क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो इस ढंग से लेकिन संगीत कोई बुरा नहीं होता है संगीत देने का तरीका है एक अलग है तुम्हें हुस्न देख के खुदा ने सितमगर बनाया बनाया तुम्हें हुस्न देख के खुदा ने सितमगर बनाया तुम्हें हुस्न देख के खुदा ने सितमगर बनाया बनाया तुम्हें हुस्न देख के खुदा ने तुम्हें हुस्न देख के खुदा ने सितमगर बनाया बनाया न जाने कहाँ तुम थे
ने कहा हम है जादू ये देखो हम तुम मिले हैं जाने कहाँ तुम थे ना जाने कहाँ हम संगीत मेरा जीवन है संगीत मेरा जीवन है संगीत बिना जीवन सूना जीवन सूना 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 न जाए संभाल जी भीगी हवाओं में ऐसे फिजाओं में होश मुझे है कहाँ मस्ती भरा है समा हम तुम्हें दोनों यहाँ आँखों में आ जा दिल में समा जा झूमे जमीन आसमां मस्ती भरा है समा